बाइक की लाइट्स को टेस्ट करते हैं कितनी इफेक्टिव है, इंडिकेटर कितने अच्छे ब्लिंक करते हैं, और हम भी वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा डार्क हो जाए। पहला जो टेस्ट मैं कर रहा हूँ काफ़ी दूर से कर रहा हूँ, और अगर आप ध्यान से देखो, आप बस देख रहे हो रोड पे खड़ी है, मेरे ख्याल से 100 मीटर से भी ज़्यादा है। और एक बार अब मैं हेडलाइट ऑन कर लेता हूँ लो बीम, तो आपने देखा वो सामने जो बस है वो दोनों। और देखिए धीरे धीरे हम एफर्ट करके आगे बढ़ रहे हैं, और आपकी भी सपोर्ट मेरे को चाहिए होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ी हेल्प करो, थोड़ी सपोर्ट करो, ताकि मैं भी थोड़ा आगे ग्रो करूँ। हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल। और देखिए आज मैं बहुत लेट वीडियो शुरू कर रहा हूँ, और इस वीडियो को शुरू करने का एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि मैंने अभी तक अपनी एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अपनी बाइक की लाइट्स को टेस्ट करा था। देखिए बाइक पीछे है, आज मैं इसी लोकेशन पे आया हूँ कि थोड़ा सा देखिए डार्क में अपनी बाइक की लाइट्स को टेस्ट करते हैं कितनी इफेक्टिव है, इंडिकेटर कितने अच्छे ब्लिंक करते हैं। तो ज़्यादा ना करते हुए वेट करते हैं, पहले तो थोड़ा सा डार्क हो जाए, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। देखिए बाइक एकदम रेडी है, और हम भी वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा डार्क हो जाए, उसके बाद हम थोड़ा शूट कर पाएंगे। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, अभी 6:45 हुआ है, अराउंड 15 मिनट्स के अंदर पूरा डार्क हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो। NS 400 से रिलेटेड भी आपके मैं वीडियोस लाता रहूँगा, और बाइक रिव्यूज़ भी आपके लिए मैं बनाता रहूँगा, और राइड्स भी हमारी जल्दी स्टार्ट होंगी। तो चैनल को प्लीज़ एक थम्स अप दे दें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए शाम ढलती हुई और बहुत अच्छा सनसेट वहाँ पे हो रहा है उस साइड, और अभी थोड़े ही पल में देखिए पूरा अंधेरे में तब्दील होने वाला है। देखिए अभी ये बेसिक थोड़ा सा अभी अंधेरा भी होने वाला है, थोड़ा डे है, इस बीच देखते हैं कि बाइक का क्या रिस्पॉन्स है। तो आप अभी देख सकते हो बाइक को, इस टाइम भी काफ़ी अच्छी लुक कर रही है बाइक, और बाकी एकदम डार्क में तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा ही। पहला जो टेस्ट मैं कर रहा हूँ काफ़ी दूर से कर रहा हूँ, तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। पहला टेस्ट है, देखिए आप इंडिकेटर देख सकते हो कि कितने शार्पली ब्लिंक कर रहे हैं, ये इस टाइम ही हैजार्ड पे है, तो हैजार्ड फंक्शन आपके लिए पहला रहेगा टेस्ट मेरा। और देखिए हैजार्ड कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और मैं पीछे से भी दिखा देता हूँ। और अगर आप देखिए सामने देखेंगे ना, वहाँ दो बसें खड़ी हैं रोड पे, उसमें भी ये हाईलाइट कर रहा है। तो देखिए अब पूरा एकदम डार्क हो चुका है, और पहला टेस्ट तो मैंने आपको इंडिकेटर का दिखा दिया था। देखिए सेकंड जो मैं आपके लिए साथ शेयर करना चाहूँगा, तो मैं इग्निशन ऑन कर लेता हूँ पहले। तो देखिए वो ये लाइट है, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अभी हेडलाइट भी ऑन नहीं हुई है, सिर्फ ये बेसिक वाली जो इसकी लाइट है जो शेप वाली है, अगर मैं इसी के थ्रू देखूँ तो देखिए ये कितनी अच्छी लाइट प्रोवाइड कर रही है। तो देखिए लाइट वाइज जो मैं आपको बताना चाह रहा था इसमें, तो लाइट्स के लिए देखिए मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि ये बाइक लाइट की तो बहुत बढ़िया मेरे को लगती है, इसकी जो फ्रंट की है ना, मैं दूसरी वो हेडलाइट भी ऑन नहीं करता हूँ, इसी से ही रास्ता में काफ़ी लाइट दिख जाती है, और आप ये देख भी सकते हो कि काफ़ी अच्छा फोकस ये कर रही है। देखिए जो दूसरा मैं टेस्ट इसके साथ करूंगा वो इसका रहेगा डिपर का टेस्ट, तो डिपर एक बार दिखाता हूँ आपको। डिपर की रेंज देखो, और आप खुद अपने आप डिसाइड करना, और प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसे लगा आपको बाइक की परफॉर्मेंस। और अगर आप ध्यान से देखो, आप बस देख रहे हो रोड पे खड़ी है, मेरे ख्याल से 100 मीटर से भी ज्यादा है, क्योंकि अंदर की तरफ है ये पार्क जहां मैं वीडियो शूट करता हूँ, और वहां भी आप देख सकते हो रोड तक डिपर जा रहा है पूरा। मैं इसको एक बार सीधा स्टैंड कर लेता हूँ, तो ये देखिए लाइट परफॉर्मेंस इस मामले में डिपर की भी बहुत अच्छी है। तो आइए इसका एक बार हेडलाइट का भी टेस्ट हो जाएगा, लो बीम हाई बीम दोनों ही चेक कर लेते हैं। तो देखिए बाइक पे मैं बैठ चुका हूँ, बाइक को एक बार ऑन कर लेते हैं इग्निशन। तो ये तो देखिए अभी जो बेसिक वाली जो है सिंपल वाली लाइट है, जो ये दो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, आप देख सकते हो उसी की कितनी अच्छी रेंज आ रही है। और एक बार अब मैं हेडलाइट ऑन कर लेता हूँ लो बीम, तो ये देखिए ये है बाइक की लो बीम, और देखिए ये जो है इसका हाई बीम का वो है, अगर इसको मैं आगे कर देता हूँ तो हाई बीम हो जाएगा। तो आपने देखा वो सामने जो बस है वो दोनों हाई बीम तक वहाँ तक जा रही है सामने रोड पे,
अब देखिए डिस्टेंस तो मैं मेजर नहीं कर पा रहा, लेकिन ये डिस्टेंस काफ़ी सारा है। बहुत अंदर की तरफ हूँ मैं पार्क के, आपको मैं दिखा सकता हूँ, बहुत अंदर की तरफ मैं आया हुआ हूँ और कुछ डिस्टेंस बहुत लंबा है। और ये देखो डिपर वहाँ तक, देखिए हाई बीम, ये लो बीम, अगेन हाई बीम, लो बीम, तो बस तक जा रही है तो और काफ़ी रेंज है। और एक बार हैजार्ड भी ऑन कर देता हूँ मैं, तो आप देखिए चेकआउट कर सकते हैं अपने लिए। बाइक का एलईडी सेटअप बहुत बढ़िया है, देखिए ये आपकी हेडलाइट मेरी कितनी बढ़िया लग रही है, इंडिकेटर्स दोनों विद द डिजिटल कंसोल, एकदम कलरफुल, नाइट में बहुत अच्छा लुक दे रहा है। तो देखिए कोई कमी नहीं है लाइट्स वगैरह की, बहुत अच्छी इसमें यूज़ है। तो लाइट्स के लिए देखिए मैं थम्स अप करूँगा, मेरी बाइक है इसलिए नहीं कि मैं इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन ये जो नाइट का टेस्ट था मुझे करना ही था, और उसके लिए देखिए बाइक एकदम परफेक्ट लग रही है। और ये देखिए काफ़ी दूर से भी मैं इसका थोड़ा शूट कर रहा हूँ आपके लिए, बहुत अच्छा लुक दे रही है बाइक। और देखिए जो कैमरा हमारी विजुअलाइज देख सकती हैं, वो कैमरा नहीं देख पाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं तो बहुत अच्छा लुक दे रही है। तो देखिए होप करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए ये मेरी एक एफर्ट थी जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था, कैसी है मेरी बाइक, लाइट्स का मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। और देखिए धीरे धीरे हम एफर्ट करके आगे बढ़ रहे हैं, और आपकी भी सपोर्ट मेरे को चाहिए होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ी हेल्प करो, थोड़ी सपोर्ट करो, ताकि मैं भी थोड़ा आगे ग्रो करूँ। तो ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। तो देखिए कितने अच्छे हज़ार लग रहे हैं इसके।